सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बबली ने आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि व प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर फूल माला अर्पण कर नमन किया। साथ ही युवाओं को संदेश भी दिया कि वह भी अच्छे काम कर अपने देश के लिए कुछ करें। और आज परम सरदे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार, उनकी जयंती है और आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो आज हमने दोनों को अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में माल्यार्पण करके नमन वंदन किया है और सभी से एक प्रार्थना कि जो हमारे महानुभाव ब्रह्मलीन हो गए उनकी जयंती पुण्यतिथि पर उनको नमन वंदन अवश्य किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृहमंत्री बने तो लोगों को एक संशय सा हुआ कि भाई इनकी जो धोती थी वो कहीं से फटी हुई थी। इतनी सादगी से परिपूर्ण व्यक्ति, और इस व्यक्ति ने अपने आत्मबल के आधार पर जितनी भी रियासतें थीं वो सारी तोड़ दी, कन्वर्ट करके संविधान भारत के लागू करवाने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जिसने विदेश तक में अपना परचम फहराया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, इन्हीं के अंगरक्षकों ने इनकी हत्या की, तो आज ये दोनों महान विभूति हमारे देश में पैदा हुए। तो इन दोनों को हमने नमन वंदन किया है। जो हमारे युवा हैं वो शिक्षावान बने, संस्कारवान बने, सनातन परंपरा को मानने वाले बने, उसका अनुसरण करें, अपने कुल का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। मैं सभी युवाओं से और बच्चों से यही प्रार्थना करता हूं, देखिए सभ्य भारत, अखंड भारत, इसकी स्थापना जब होगी, जब हमारे युवा संस्कारवान बनेंगे और अपने बुजुर्ग का मान सम्मान करना सीखेंगे।